जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे मटन मसाला, मटन कोरमा और कई तरह की मटन ग्रेवी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन मटन मसाला की इससे आसान रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी। बस सिंपल सी रेसिपी है और बेसिक से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत बढ़िया ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन मैरिनेट करेंगे। हमने 1 किलो मटन लिया है, इसमें हमें ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक लिया है या फिर आप 1.5 टीस्पून नमक ले लें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। आप इसे कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लें। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 18 से 20 साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी, 5 लौंग और 1 बादियान का फूल ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमें इसमें 2 तेज़पत्ते भी ऐड कर देने हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, ये बिल्कुल गाढ़ा और फ्रेश दही है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर 1 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, हमने उसे स्किप किया है। अब हमें इसे कवर करके 2 घंटों के लिए फ्रीज में रख देना है ताकि मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। और अब हम इसके लिए एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमने 10 बादाम लिए हैं, 18 से 20 काजू के टुकड़े लिए हैं, अगर आप साबुत काजू ले रहे हैं तो 10 ले लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1/4 कप जितना नारियल ले लिया है और इसे हमने इस तरह से लंबा काट लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हमें ऐड कर देना है 8 से 10 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हमने जो मटन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और मटन को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन और कई मसाले ऐड किए हैं तो मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और हमें हाई फ्लेम पर इसे इसी तरह भूनते रहना है। 10 मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होने लगा है, क्योंकि हमने जो दही ऐड किया था उसका भी पानी रिलीज़ होगा। तो अभी हमें इसे थोड़ा और भूनना है, लेकिन इस स्टेज पर हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली और इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। देखिए, अगर आप चाहें तो प्याज को इस तरह से फ्राई करने के बाद जब ये ठंडी हो जाए तो मिक्सी में ऐड करके दरदरा पीस भी सकते हैं, लेकिन हमने इसे बगैर पीसे ऐड कर दिया। और अब हमने जो काजू, बादाम और नारियल का पेस्ट बनाकर रखा है उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें हाई फ्लेम पर मटन को 5 से 7 मिनट के लिए और भून लेना है, क्योंकि हमने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है। तो भूनने के दौरान हम इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे दाग ना लगे। तो इस तरह से हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए और भून लिया और हमारा जो मटन है उसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मसालों के साथ, प्याज के साथ हमने इसे बहुत अच्छे से भून लिया और आप देख सकते हैं कि इसमें से काफ़ी सारा तेल रिलीज़ होने लगा है। तो अब हमें इसकी भुनाई करने के बाद इसे अच्छे से गला लेना है, तो इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। तो मेरीनेशन के बोल को खंगाल कर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और एक बार इसे मिला लेंगे। तो अब हम प्रेशर कुकर पर लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे थोड़ा और पकाएंगे। 1 प्रेशर आने तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे, फिर लीड को खोल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देना है और इस स्टेज पर हम इसमें 2 हरी इलायची ऐड कर देंगे। वैसे हरी इलायची ऐड करना मैं भूल गई थी, आप मैरिनेशन के वक्त या फिर प्याज के साथ इलायची ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है।
देखिए अगर आप चाहें तो इस तरह की ग्रेवी इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहेंगे, इसलिए हम इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे। अगर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ना ऐड करें। अब हम हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए ग्रेवी का पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया, और अब देख सकते हैं कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखी है। अब हमारा मटन मसाला बन चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए सिंपल सी रेसिपी के साथ और बहुत ही बढ़िया हमारा मटन मसाला बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।